टांडा बरौर क्षेत्र में नकली बीज और दवाइयों का धंधा जोरों पर पनप रहा है। इससे किसानों को हजारों रुपए की चपत लग रही है और उनका उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। बता दें कि हजारों हेक्टेयर में ककड़ी, टमाटर और गिलकी आदि सब्जियां बोई गई है। अधिक उत्पादन के लालच में किसान महंगी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में निमाड़ कृषि सेवा केंद्र, सदगुरु ट्रेडर्स और मातोश्री पेस्टिसाइड बरुड़ पर कई नामी कंपनियों की नकली दवाइयां मन मर्जी भाव से बेची जा रही है। बायो ऑर्गेनाइजर कंपनी की प्लांटो ड्रिप दवाई के संबंध में कंपनी के उच्च अधिकारियों को कई ग्रामीणों ने शिकायत की थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की मदद से कंपनी के उच्च अधिकारियों ने इन प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण किया और उनको प्लांटो कंपनी की नकली दवाई मिली। इस तरह क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा कृषकों की आंखों में धूल झोंकना साबित हो रहा है। बता दें कि कृषि विभाग को पूरे जिले से कहीं मिर्च के नकली बीज तो कहीं कपास बीज और अन्य नकली सामग्री बेचने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। जिले के समस्त व्यापारियों के लाइसेंस भी लेकर रिन्यूअल करवा लिए जाते हैं और नासमझ लोग इस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। टांडा बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। सर, ये प्लांटो कंपनी की जो दवाइयां मार्केट में बिक रही है, दो तरह की बिक रही है सर, एक डुप्लीकेट एक ओरिजिनल, इस संबंध में सर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का यहाँ सादर वंदन करता हूँ और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से हमें इस बरूड क्षेत्र में किसानों के माध्यम से कुछ विक्रेताओं के माध्यम से जो कीमत की कम ज़्यादा में हमें शिकायतें मिल रही थी, तो हम भी कुछ समय से अचंभित थे कि ये भाई आखिर इतनी कीमत में यहाँ कैसे ये चीज़ मिल रही है। तो उस संबंध में हम शनिवार को, मतलब ये मान के 31/10 को यहाँ हमारा जो निरीक्षण के हिसाब से हम लोग आए और हमारे यहाँ जो ऑथोराइज डीलर है किसान समूह वाले महेश भाई, उनसे चर्चा करी और इनसे चर्चा करने के बाद में हमने देखा कि इनके अलावा और कहाँ कौन से काउंटर विक्रय केंद्र पे हमारी ये प्लांटो ड्रिप नाम की जो चीज़ें बिक मिल रही है। तो हमें जानकारी में आया कि मातोश्री कृषि सेवा केंद्र जो है इधर करो, वहाँ पर ये चीज़ें हैं। फिर हम वहाँ पर गए इंदर ऐसा करो, मातोश्री पे जाने के बाद में वहाँ से दो नग हमें यहाँ मिले, उनसे हम इन प्लांटो ड्रिप के संबंध में पूछा कि भाई आपके पास ये कहाँ से आया और इसका बिल दिखाइए। तो वो प्रोडक्ट तो हमारे मिले वहाँ पर, लेकिन वो ना तो बिल बता पाए ना सोर्स बता पाए। बड़ी मुश्किल से विनती करने के बाद उन्होंने सदगुरु ट्रेडर्स का उन्होंने बताया कि सदगुरु ट्रेडर्स से मेरे पास ये मटेरियल आया है। फिर वहाँ से चल करके सदगुरु ट्रेडर्स पे आए। सदगुरु ट्रेडर्स पे उस समय जो विद्यमान थे, क्या नाम था उनका, लड़के का नाम हाँ, वो उपस्थित थे श्रीमान जी। तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि दो नग तो उनके काउंटर पे रखे हुए थे और उनके पीछे जो छोटा सा गोडाउन है उनका, तो वहाँ दो पेटी यानी कि चार नग वहाँ उस काउंटर पे रखे हुए थे। फिर उसके हमने उनसे भी वही सवाल किया कि भाई ये प्लांटो ड्रिप प्रोडक्ट आपके पास से कहाँ से आए। तो उन्होंने निमाड़ कृषि सेवा केंद्र जो है उनका नाम बताया कि हमारे पास वहाँ से आए हैं और ये चीज़ है। हम तो वहाँ से ये चीज़ें जब्त करके संबंधित जो वहाँ थे अपने सोनू महाजन करके अभिनव महाजन जी कर उनको वहाँ बुलाया कि भाई आपने इनको दी है, बोले हाँ मैंने दी है और उन्होंने कबूल भी किया कि हाँ मैंने दी है इनको। फिर हमने बताया कि फिर वहाँ पर गए हम लोग उनके काउंटर पर कि अब आपके पास कहाँ से आई इसका सोर्स बताइए। तो उन्होंने बिल बताइए ना, तो वो बिल बता पाए ना सोर्स बता पाए हमें। वहाँ से चल करके हमने उनसे भी वही रिक्वेस्ट करी कि आप मत परेशानी में पड़िए, आप सीधा सीधा बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, हमसे विनती करी कि साहब मुझे एक दिन का जो है मुझे समय दीजिए, मैं आपके सामने पूरा का पूरा जो साक्ष्य है वो आपके पटल पे लाऊंगा। तो उसी को उस रिक्वेस्ट के संबंध में हमने उनको एक दिन का पूरा समय दिया। इससे पूर्व शनिवार रात्रि को हमने एक जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए उसके प्रारंभिक आवेदन मतलब प्रारंभिक प्रक्रिया चालू कर दी थी। संबंधित थाना अधिकारी को हमने एक आवेदन दिया कि इस तरह के हमारा जो प्लांटो ड्रिप प्रोडक्ट है यहाँ इस क्षेत्र में इन पार्टियों के माध्यम से डुप्लीकेट बिक रहा है। फिर उन्होंने हमारा आवेदन स्वीकार किया और उन्होंने ये क्या किया, आप जो है आप अगर उनको आपने टाइम दिया है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा देख करके आप एक दिन के बाद जाइए। सर, बरूड़ में आपने कितनी एजेंसियाँ दे रखी? बरूड़ में हमारे केवल ऑथोराइज केवल दो डीलर है, एक किसान समूह और दूसरा उपज कृषि सेवा केंद्र। और ये आपने दवाई ये नकली किस आधार पे पकड़ी उनको? ये आधार पे हमने पकड़ी की है, इसमें जो आप देख रहे होंगे काफी अंतर है। हमें जो किसानों के माध्यम से काफी शिकायतें मिली थी कि भाई आपके हम ड्रिप डाल रहे हैं, एक मिनट जरा है ना,
हम प्लांटो ड्रिप डाल रहे हैं, हमें वो वाली परिणाम नहीं मिल रहे फसलों में जो पहले मिलते थे, आज से दो तीन महीने पहले जो मिलते थे, ये मिलते थे तो वो परिणाम नहीं मिल रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।